हमारी मौजूदगी इस वक्त लता चौक पर है और एक ऐसी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और श्री रामचंद्र की एक तरह से आरती हो रही है। एक साइकिल पर ये यजमान आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ऊपर बनी हुई है और आरती का थाल लेकर यहाँ पर जो है जय श्री राम कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, नारियल रखा है, दूध रखा है और अभी जो है जिस तरह से जलाभिषेक भी किया गया है तस्वीर का। और ये देखिए भगवान श्री राम की तस्वीर है, पीछे राम मंदिर बना हुआ है। और क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं? पूजा, दिल्ली से आया हूँ साइकिल यात्रा करते हुए। 10 तारीख को मैं दिल्ली से निकला था और 9 तारीख के मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे और सपने में आए, उन्होंने कहा कि मैं साक्षात इस धरती पे मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। और ये खबर, ये संदेश सभी मेरे जो भक्त हैं, जो सनातन के मानने वाले, जो हिंदू धर्म के हैं, उन तक ये संदेशा पहुंचा दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि दो बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान सेवक को आरती करने के लिए भी कहा। उसके बाद हमने पूजा, जब मैं दिल्ली से निकला गांव-गांव संदेश देने, तो गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग ने पूजा अर्चना शुरू कर दी मोदी जी और योगी जी की। तो ये कुछ लाए हैं, दिखाइए जरा थाली में। ये नारियल है, शुभ दूध है, दीपक है, बाती है, चंदन है, फूल है। और ये परंपरा गांव के महिलाओं ने शुरू किया, बुजुर्गों ने। जब मैं दिल्ली से चला रास्ते में, रात में जिस गांव में रुकता था, सुबह में वहां महिलाएं गांव की आती थी और बुजुर्ग आते थे और मोदी जी योगी जी की पूजा अर्चना करते थे। तो उन्होंने, बुजुर्गों ने कहा ये परंपरा जो है जारी रखिए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी दूध से क्या करते हैं, दूध से दूध अभिषेक करते हैं। दूध अभिषेक भी यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का दूध अभिषेक भी कर रहे हैं। धर्म की देखिए, कोई आए हैं जिन्हें हमारे धर्म की चिंता है, हमारी संस्कृति की चिंता है, राम मंदिर के लिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बताइए, जो मूर्ति है कैसी लग रही रामलला की? क्या कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन मन मोह लिया हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप विचारी। मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, महलों में आ रहे हैं, मेरे प्रभु राम के हम दास हैं। दास पर भगवान का क्या वर्णन कर सकता है, मन मोह लिया है, केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते। इस राम मंदिर के लिए हमारे कई पूर्वजनों, हमारी कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हमारी कई पीढ़ियां स्वर्गवासी हो चुकी हैं। आज हमारे पूर्वज स्वर्गवासी होने के बावजूद हम बच्चों पे गर्व महसूस करते होंगे कि जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया था। मैंने कई पोस्टर भी देखे जिसमें लिखा है कि हम आज भी यहीं और उनकी तस्वीरें। हाँ जी, कई पोस्टरों में उन पूर्वजों की तस्वीरें भी लगी हैं और ये लिखा हुआ है कि हम आज भी सजाया है पूरा राम मंदिर संकल्प। ये देखिए राम मंदिर संकल्प भी सजाया हुआ है। ये साइकिल पर देखिए आप कि किस तरह से ये जो है कानूनी लड़ाई के बारे में लिखा है। ये पूरी तस्वीरें उस वक्त की हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है, अखबारों की कटिंग चिपकी हुई है। 1992 मोदी जी के संकल्प की तस्वीर है इसमें, जिसमें मोदी जी संकल्प। जय हो मोदी जी, जय हो देव पुरुष, जब रामलला महलों में प्रवेश करेंगे। और मोदी जी, इससे संकल्प सिद्ध होता है यदि कोई इंसान मन में ठान ले तो। देखिए मोदी जी कार सेवकों के, मोदी जी का योगदान कार सेवक के रूप में भी सराहनीय है। कार सेवक के रूप में मोदी जी ने अपने जान की चिंता किए हुए सभी कार सेवकों का मनोबल बढ़ाते हुए आगे आगे चलते थे। ये देखिए मोदी जी यहाँ भी है, यहाँ भी मोदी जी, यहाँ भी मोदी जी। तो मोदी, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से पोस्टर्स के जरिए यहाँ पर देखिए साइकिल से आए हैं और पूरा जो राम लला राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है वो यहाँ दर्शाएंगे और उसकी भी यहाँ पर आरती वारती कर रहे हैं। तो देखिए केवल इतना कहना चाहूंगा, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ, प्रभु श्री राम के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए सब साथ खड़े हो जाओ, प्रभु श्री राम के लिए सब साथ खड़े हो जाओ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम का जय घोष यहाँ चल रहा है और हर तरह से यहाँ पर पूरा माहौल राममय हो गया। कैमरा मैन समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।